आप देख रहे हैं एकेडमी पोस्ट चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में अपडेट देने वाले हैं। हम सभी को 22 जनवरी 2024 को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, इसके लिए अयोध्या के सभी सड़कें को चौड़ीकरण और इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो प्रस्तावित है हवाई अड्डा, जिसका काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अभी नवंबर महीने की अपडेट की बात की जाए तो उस टाइम वहाँ का रनवे को बनाकर तैयार कर लिया गया था। तो यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अयोध्या में सभी काम बहुत ही जोरों शोरों से और तेज़ी से चल रहा है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मंदिर कितना भव्य होने वाला है, साथ ही मंदिर परिसर कैसा होने वाला है, सभी को लाइव दिखाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो लें। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी पोस्ट में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे दिन में पूजा होने के बाद से ये मंदिर को सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो सबसे पहले मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यह मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसमें भूतल, प्रथम तल और दूसरा तल, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार तैयार किया गया है। इसके सबसे उचले सिरे यानी कि गगनचुंबी इमारत के नीचे ही मंदिर का गर्भगृह होगा, जहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति को रखा जाएगा। यह मंदिर कुल 366 खंभों पर खड़ा हुआ है, जो कि प्रत्येक तल यानी कि फ्लोर पर 122 पिलर होगा, जिस पर बहुत ही कुशल कारीगरी द्वारा नक्काशी कराई गई है, जो देखने में काफ़ी मनमोहक है। मंदिर की लंबाई की बात की जाए तो यह मंदिर 307 फीट लंबा और इसकी चौड़ाई 234 फीट है, जो कि जमीन से शिखर तक की ऊंचाई 161 फीट ऊंचा होगा। श्री राम मंदिर परिसर 67.3 एकड़ या फिर 17,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में यह मंदिर परिसर फैला हुआ है। इसमें कई प्रकार के भवन भी बने हैं, जिसमें कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उनके जरूरी के सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। परिसर में चारों तरफ से ग्रीनरी का ख्याल रखते हुए हरियाली की सभी इंतजाम होने लगा है। राम मंदिर परिसर में रिसर्च सेंटर, 3D चलचित्र थिएटर होगा, जिसमें कि लोग बैठकर श्री राम से जुड़ी चलचित्र देख सकेंगे। साथ ही इस परिसर में लाइब्रेरी भी होगी, जिसे आप भगवान से जुड़ी ज्ञान प्राप्त के साथ साथ अपना टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इस मंदिर परिसर में एक श्री राम जन्मभूमि म्यूजियम भी होगा, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी वस्तुओं के साथ ही अयोध्या का इतिहास देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें यज्ञशाला भी बनाया गया है, जिससे यज्ञ हवन किए जाएंगे। इस परिसर में फव्वारे भी लगाए गए हैं, जिससे कि परिसर बहुत ही आकर्षक और मनमोहन दिखेगा। अभी तो फिलहाल में 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे इस मंदिर का एक फेज बनकर तैयार हो गया है, और बाकी सभी फेज को बनाने में यानी कि पूरा 100% को काम को ख़त्म करने में दिसंबर 2024 तक का टाइम लग सकता है, जैसे कि ट्रस्ट वालों ने अभी जानकारी साझा किया है। इस परिसर में साउंड के साथ साथ इवनिंग लाइट शो की व्यवस्था किया गया है, जो परिसर को काफ़ी आकर्षक बनाएगा। जैसे कि किसी भी पार्क या मंदिर में लाइट शो लगा होता है। लाइट शो का एग्जाम्पल के लिए आप अक्षरधाम मंदिर में भी देख सकते हैं, वहाँ भी इवनिंग में काफ़ी अच्छा लाइटिंग शो के व्यवस्था किया गया है, या फिर आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे। इसके साथ ही फूड कोटा, मेस, भोजनालय भी होगा, जिससे श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। तो ये था मंदिर परिसर, इसके साथ ही अयोध्या की तस्वीर बदल गया है। साथ ही रोड को सजाया जा रहा है, यहाँ से राम एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे कि देश के विदेश से आने वाले राम भक्त को आने में बहुत ही आसानी पड़े। यानी कि आप अयोध्या आना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी के लिए रोड तो बहुत ही अच्छा बन ही गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन भी बहुत सज धज कर तैयार हो गया है, रेलवे के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से भी आना चाहें तो फ्लाइट का भी व्यवस्था काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो हवाई अड्डा बनने वाला था तो वो भी बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों, बता दें आप सभी को कि इस मंदिर में जो लगने वाले हैं साउंड, यानी कि जो जिस पे ध्वज लगेगा, तो उसकी ऊंचाई 44 फीट ऊंचा होगा, और उसका वजन की बात की जाए तो 5,500 kg का होगा। तो ये था कुछ राम मंदिर के बारे में जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में कुछ भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमी को दर्शा सकते हैं, मैं इससे अच्छा और वीडियो करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद।